बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए अगले वर्ष से बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जी हां, यातायात निदेशालय चारधाम यात्रा को हरिद्वार के बैरागी कैंप से शुरू करने पर विचार कर रहा है। यहीं पर स्टॉल लगाकर यात्रियों के पंजीकरण और अन्य जानकारियां प्रदान की जाएंगी। माना जा रहा है कि इससे ऋषिकेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम हो सकेगा। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत अब भी हरिद्वार से ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है जहाँ पर लोग आएं और सिंगल विंडो की तरह उस स्थान को इस्तेमाल करें। इसके लिए यातायात निदेशालय ने अब बैरागी कैंप को चुना है। बैरागी कैंप के मैदान में उतनी क्षमता है कि वहाँ पर एक साथ ही सैकड़ों वाहन आकर खड़े हो सकते हैं। यहाँ पुलिस और प्रशासन 100 से ज्यादा स्टॉल लगाएगा। इन पर लोगों को यात्रा के नियमों, पंजीकरण और आगे के रास्तों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस स्थान पर आसानी से पंजीकरण आदि चेक भी किया जा सकता है। वर्ष 2012 से पहले हरिद्वार में कावड़ यात्रा के लिए कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं था जहां एक साथ कावड़िये पहुंचे और अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। इसके लिए उस वक्त एसएसपी पद पर रहे अरुण मोहन जोशी ने बैरागी कैंप को कावड़ यात्रा के प्रस्थान स्थान के रूप में चुना था। इसके बाद से बैरागी कैंप से ही यात्रा की शुरुआत की जाने लगी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।